एक्सप्रेस वे प्रोजेक्ट के मुताबिक वीडियो कहा गया था, आज मैं यहाँ पर आ गया हूँ। पर भी बाकायदा तौर पे वेल्डिंग वगैरह काम किया जा रहा है, और इसके अलावा मज़ीद जो टूल वगैरह बनाने जाने हैं उसके लिए भी। टूल प्लाजा इस तरह मैंने आप लोगों को पहले ही बताया गया था कि उनको 22। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद आतिफ मोहम्मद चैनल से आपसे मुखातिब हूँ। मैं इस वक्त इस लोकेशन में मौजूद हूँ, टूल प्लाजा यहाँ पर बनने जा रहा है। इस टूल प्लाजा के मुताबिक मैं इससे पहले भी अपडेट कर चुका हूँ, आज मैं दोबारा यहाँ पर आया हूँ। एक टीम यहाँ मुझे नज़र आ रही है, इस वक्त भी काम यहाँ चल रहा है। इंशाल्लाह आज मैं इसके मुताबिक तमाम लोगों को अपडेट करूँगा, क्या पोजीशन यहाँ चल रही है, कितना काम हो चुका है, कितना काम रह गया है, तमाम चीज़ें इंशाल्लाह आपको अपडेट की जाएंगी इंशाल्लाह। इस वक्त हवा के झक्कड़ टाइप के यहाँ पर चल पड़े हैं, और मैं इस वक्त टूल प्लाजा में मौजूद हूँ। टीम यहाँ पर काम कर रही है, कुछ वेल्डिंग का काम भी चल रहा है जैसे मैंने लास्ट टाइम भी आप लोगों को बताया था। और मिट्टी इस वक्त काफ़ी एक गर्दोगुबार का तूफान सा उठ पड़ा है, और जैसे कहते हैं कि देखने वाली आँख जो इस वक्त, अगर मैं थोड़ा सा जूम इन वगैरह करके आप तमाम लोगों को दिखाऊं तो इस वक्त चारों तरफ मिट्टी का एक तूफान सा चल रहा है। टूल प्लाजा इस तरह मैंने आप लोगों को पहले ही बताया गया था कि उनको 22 टूल्स यहाँ पर बनाए जाएंगे, और जो कि एक यहाँ पर फ़िलहाल तैयार किया जा रहा है। इसी तरह एक और काठोर पे बनाया जाएगा, और इसके अलावा मज़ीद टूल जो बनाए जाएंगे, तमाम मैंने चीज़ें आप लोगों को पिछली वीडियो में अपडेट की है। इस वक्त यहाँ पर स्टील वगैरह का काम बड़ी तादाद में किया जा रहा है, ये सब प्लेटें वगैरह तैयार करके यहाँ पर रखी जा रही हैं, साथ साथ वेल्डिंग का काम भी चल रहा है। और मैंने आप लोगों को पहले भी इसी चीज़ को दिखाया था, बताया था कि अगर आप ऊपर देखें, मैं मज़ीद आपको दिखाता हूँ। इस वक्त यहाँ ऊपर टॉप के ऊपर वेल्डिंग का काम वगैरह चल रहा है, स्टूल के ऊपर इससे पहले भी काम जारी था, और आज मैं यहाँ पर आया तो आज भी यहाँ पर काम बड़ी स्पीड से किया जा रहा है। इसका क्रेन भी यहाँ मौजूद है, इस क्रेन की मदद से कुछ पार्ट्स को उठा के रखा जाता है, कुछ डायरेक्शन चेंज करनी हो, कुछ उठा के इंस्टॉल करनी हो तो उसके लिए क्रेन वगैरह इस्तेमाल की जाती है। ये पोल वगैरह बना के रेडी किए गए, जिस तरह मैंने आपको बताया कि यहाँ पर चार फाउंडेशन और बनाई जा रही हैं, और इसके अलावा मज़ीद जो टूल वगैरह बनाने जाने हैं उसके लिए भी मटेरियल यहाँ पर रेडी किया जा रहा है। यहाँ नीचे भी वेल्डिंग का काम चल रहा है, क्रेन भी यहाँ मौजूद है, और यहाँ पर भी बाकायदा तौर पे वेल्डिंग वगैरह काम किया जा रहा है। मलिर एक्सप्रेस वे प्रोजेक्ट के टूल प्लाजा पे मैं इस वक्त मौजूद हूँ। मिट्टी के झक्कड़ इस वक्त जो चल रहे हैं, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को इस वीडियो के ज़रिए तमाम चीज़ दिखाई जा सके। मौसम एकदम चेंज हो गया है, बारिश का 1 से 2 दिन में कहा जा रहा है। सामने रास्ता वीटा चुरंगी की तरफ को जाता है, चुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया की तरफ को, और सामने मलिर नदी है सारी जो आप लोगों को दिख रही होगी। टीम फिलहाल यहाँ पर भी कुछ इतनी खास मौजूद नहीं है, वेल्डिंग वगैरह काम यहाँ पर चल रहा है। मैं मज़ीद आगे की तरफ चलूँगा, और मज़ीद जो डेवलपमेंट वगैरह कहीं होने वाली है तो वो भी इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी, मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए लाइक करें शेयर करें। आप तमाम लोगों की सपोर्ट का बेहद शुक्रिया। किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन हो वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि मैं आंसर नहीं देता, ऐसी बात नहीं है, आंसर मैं लाजमी देता हूँ। कुछ 2 दिन पहले मुझे मलिर एक्सप्रेस वे प्रोजेक्ट के मुताबिक वीडियो कहा गया था, आज मैं यहाँ पर आ गया हूँ, और मेरी कोशिश ये है कि जितना भी काम यहाँ पर हो चुका है वो तमाम आप लोगों को अपडेट कर सकूँ। शुक्रिया।